अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये देखिए फैमिली गाड़ी में बैठ रही थी, इतने में पीछे से एक बाइक पर दो डकैत आते हैं और किस तरह से आजादाना सामान का इस्तेमाल करते हैं, गली में खुलेआम सामान लेकर घूमते हैं और जहां इनका दिल करता है वहां इस्तेमाल करते हैं। ये देखें एक बाइक पर दो डकैत पीछे से आ रहे हैं, फैमिली गाड़ी में बैठ रही है, इतने में ये डकैत आते हैं और ये बंदा समझ जाता है डकैत है तो ये अंदर भागने लगता है, तो ये फायरिंग करते हैं और किस तरह से इस बंदे को रुकवाते हैं। फैमिली डर जाती है, खौफ और हरास में मुब्तला हो जाती है। कराची के अवाम इस तरह से डाकुओं के रहमो करम पर है, डाकू किसी वक्त भी कहीं पर भी आके लूट ले रहे हैं लोगों को। इस तरह से कराची में वारदात हो रही है, मैं आगे चलकर दिखाता हूँ। ये बंदा अपने पर्स भी वापसी मांगता है कि भाई पैसे ले लो और पर्स दे दो। तो आपने देखा इस तरह से कराची के हालात है, डकैत वापसी जा रहे हैं। मैं दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ किस तरह से ये फैमिली के साथ ये वारदात हुई है। ये कराची का इलाका बनारसी टाउन है जहाँ की ये वीडियो हमें मौसूल हुई है। आप लोगों से गुजारिश है कि इन डाकुओं की पहचान के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सीसीटीवी व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की न्यू आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप कराची के हालात से बाखबर रह सके। इन डकैतों की पहचान के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन डकैतों की पहचान मुमकिन हो सके और इन लड़कों को पकड़वाया जा सके। ये कराची का इलाका औरंगी बनारसी टाउन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जजाकल्ला।